गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 19। चैप्टर नेम इज़ प्रीपोजिशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विच अदर नाउन और अ प्रोनाउन। मीन्स प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो रिलेशन को शो करता है एक नाउन और प्रोनाउन के अन्य नाउन और प्रोनाउन से। इन अदर वर्ड्स अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस टाइम डायरेक्शन मीन्स स्थान समय दिशा आदि के संकेत के लिए संज्ञा या सर्वनाम से पहले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं मीन्स जिन शब्द का यूज किया जाता है उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है राम गोज टू दिल्ली। यहाँ पर राम नाउन है, दिल्ली नाउन है, मीन्स राम नाउन एंड दिल्ली अदर नाउन। गोज वर्ब हुआ एंड टू प्रीपोजिशन हुआ। ये नाउन के रिलेशन को शो कर रहा है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जिसे हम रीड करेंगे। फर्स्ट शी इन्वाइटेड मी एट हर होम। यहाँ पर एट प्रीपोजिशन है। सेकेंड द मंकीज लिव ऑन द ट्री। यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है। थर्ड आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पर इन एंड फॉर प्रीपोजिशन वर्ड हैं। एट इन फॉर शो द रिलेशन बिटवीन नाउन 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 एंड प्रोनाउन नाउन। ये जो वर्ड हैं एट ऑन इन एंड फॉर ये शो कर रहे हैं रिलेशन को एक नाउन और नाउन से और नाउन और प्रोनाउन की। नाउ वी यूज एट इन ऑन प्लेस। किसी भी प्लेस को के रिलेशन को शो करने के लिए हम एट इन और ऑन का यूज़ करेंगे। डायरेक्शन को शो करने के लिए एट टू फ्रॉम इन टू का यूज़ करेंगे। पोजिशन के लिए बिहाइंड एट इन ओवर ऑन एंड अंडर। एंड टाइम के लिए बाई एट सिंस फॉर टू फ्रॉम का यूज़ करेंगे। देर आर सो मैनी प्रपोजिशंस लाइक आफ्टर बिटवीन विद इन फ्रंट ऑफ नियर etc। कई प्रकार के प्रपोजिशन वर्ड होते हैं जैसे आफ्टर बिटवीन विद इन फ्रंट ऑफ एंड नियर etc। मीन्स जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है उसे संबंध सूचक शब्द अव्यय कहा जाता है। प्रपोजिशन मीन्स संबंध सूचक शब्द। नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सर्कल द प्रीपोजिशन विद येलो कलर। यहाँ पर आप जो प्रीपोजिशन वर्ड है उसको आप येलो कलर से सर्कल करेंगे। फर्स्ट दे आर स्टैंडिंग नियर द स्कूल। यहाँ पर नियर प्रीपोजिशन वर्ड है, सर्कल इट विद येलो कलर। आप येलो कलर से ही इसको सर्कल करेंगे। सेकेंड लुक एट द ब्लैक बोर्ड एट। थर्ड रश थ्रू द चॉक ऑन मी ऑन। द बर्ड लिव इन द नेस्ट इन। फाइव द प्लेयर्स गो टू द फील्ड टू। सिक्स सीमा इज पेंटिंग विद अ ब्रश विद। सेवन द चिल्ड्रन डू नॉट लिसन टू मी टू। एट राइट विद अ डार्क पेंसिल विद। नाइन ही मेड द मैप ऑफ इंडिया ऑफ। एंड टेन माई मदर वॉशेज द क्लॉथ विद द शोप हेयर विद। दीज वर्ड्स आर प्रीपोजिशन वर्ड्स, सो सर्कल इट विद येलो कलर। नाउ बी टिक द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। जो सही प्रीपोजिशन वर्ड है उस पर आप टिक करेंगे। फर्स्ट फादर कॉल्ड मी एट 3 o'clock। सेकेंड द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। थर्ड द कारपेंटर मेक्स द टेबल विद वुड। फोर्थ माई फिंगर्स कट विद अ नाइव। फाइव लुक एट द विंडो। यहाँ पर लुक की स्पेलिंग गलत है तो आप यहाँ पर के इसको ठीक करेंगे। सिक्स द कैट हाइड बिहाइंड द वॉल। नाउ सेवन द स्कूल इज नियर माई हाउस। नाउ एट आई स्टडी इन क्लास थर्ड। नाइन द एप्पल इज इन द बास्केट। टेन द सन सेट्स इन द बेस्ट। नाउ सी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद प्रीपोजिशन। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको सुटेबल प्रीपोजिशन को राइट करना है। द फैन इज ऑन द टेबल, क्योंकि फैन मेज पर है, पर के लिए यहाँ पर ऑन आएगा। सेकेंड द बॉय इज बिहाइंड द ट्री। जो बॉय है वो पेड़ के पीछे है तो पीछे के लिए बिहाइंड लगाते हैं। थर्ड द ब्रिज इज ओवर द ब्रिज, ओवर द रिवर सॉरी। ब्रिज मीन्स पुल, रिवर के ऊपर है तो ये
के लिए हम ओवर लगाएंगे। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो। फाइव द बुक्स आर इन द बैग, बुक्स कहाँ पर है, बैग में। सिक्स द कैट इज अंडर द बेड, कैट बेड के नीचे है तो नीचे के लिए हम अंडर लगाते हैं। नाउ सेवन द कप इज ऑन द टेबल, कप टेबल के ऊपर है, ऊपर के लिए ऑन लगाएंगे। नाउ एट माई मदर कट्स द वेजिटेबल विद अ नाइफ। नाइन शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। सी के लिए फ्रॉम लगाते हैं। टेन द बॉय इज स्विमिंग इन द पूल। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। कीप प्रैक्टिस ऑफ ऑल एक्सरसाइज। थैंक यू।